और शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की शुरुआत भी मैं हमेशा की तरह मॉर्निंग से कर रही हूँ। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही हेल्दी और यम्मी सा ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूंगी। और बच्चे अभी सोए हुए हैं तो मैं चाय बनाती हूँ, फिर बच्चों को और दिनेश जी को जगाऊंगी। चाय मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है, अभी दिखाती हूँ। एक साइड दूध भी उबल रही है और थोड़ी सी मैंने नाश्ते की भी तैयारी कर ली है। आज संभवी का पेपर है, एग्जाम है, तो नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाना है। तो सुबह के ब्लॉग की शुरुआत में तकरीबन 7:30 से कर रही हूँ। और आज मैं अपना ब्रेकफास्ट एंड लंच रूटीन आप सबसे शेयर करूंगी। चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ एलोवेरा का स्टेम लेने के लिए, क्योंकि हर दिन खाली पेट में 1 टीस्पून एलोवेरा का जेल लेती हूँ। आज मैं भूल गई तो कोई बात नहीं, चाय पीने के बाद ही ले लूंगी। और मेरा पुराना वाला तुलसी का पौधा सूख गया है तो मैंने ये पौधा नया लगाया है। तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ व्हाइट ढोकला, जिसके लिए मैंने इस कटोरा से 3 कटोरा चावल और 1 कटोरा उड़द की दाल ले लिया था। वैसे फ्रेंड्स, नाप तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, जिसको जितना जरूरत है। तो बस रेशियो होना चाहिए 3:1, 3 कटोरा चावल तो 1 कटोरा दाल। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून मेथी ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। और 5 से 6 घंटे के बाद फिर मैंने दाल चावल का एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया और ओवरनाइट तकरीबन 7 से 8 घंटा मैंने इसको रख दिया था फर्मेंट होने के लिए। और फर्मेंट होने के बाद बैटर अब ढोकला बनाने के लिए तैयार है। तो मैंने हाफ बैटर फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि अभी मैं हाफ बैटर का ही ढोकला बनाऊंगी। और अब मैं इसमें इनो ऐड करूंगी, थोड़ा सा नमक और जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ से थोड़ा ज्यादा इनो ऐड कर दिया है। और इनो एक ही बार में सारे बैटर में ऐड नहीं करना होता है, जितना जितना ढोकला हमें स्टीम करना है उतने में ही इनो ऐड करना होता है। एक बार में ही सारे बैटर में इनो न ऐड करें। अब मैंने इनो ऐड करने के बाद नमक, जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ज्यादा फेंटना नहीं है, बस 1-2 बार मिक्स कर लेना है। और अब बैटर तैयार है स्टीम करने के लिए। तो मैंने स्टीमर में पानी गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा रखा है और प्लेट को भी मैंने ग्रीज कर लिया है। अब मैं सारे बैटर को प्लेट में एडजस्ट कर दूंगी। और मैंने प्लेट को घी से ग्रीज किया है, आप चाहे तो ऑयल से ग्रीज कर सकते हैं। ये ढोकला मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, महीने में एक बार मेरे घर में बन ही जाता है। तो मैंने बैटर को प्लेट में एडजस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर में ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करूंगी। इसके ऊपर भुना जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं आप सब। हरा धनिया, हरी मिर्च भी ऐड किया जा सकता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हरा धनिया, हरी मिर्च थोड़ा सा स्टीम करने के बाद ही ऐड करें, नहीं तो धनिया का पत्ता काला हो जाएगा। तो मैंने ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर भी मैं थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर मैं इसको स्टीम करूंगी। स्टीमर में मैंने पानी ऐड कर दिया है और गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। ढोकला को 12 से 15 मिनट तक स्टीम कर लेना है। इसको सिर्फ नाश्ता में ही नहीं खाया जा सकता है, एज ए स्नैक्स भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। फ्रेंड्स, एक बार आप सब ट्राई करके देखना जरूर। तो 15 मिनट के बाद ये देखिए ढोकला बिल्कुल डन है, नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। थोड़ी देर इसको ठंडा करना है, फिर इसके ऊपर मैंने घी ऐड कर लिया था। वैसे इसके ऊपर तड़का भी बहुत अच्छा लगता है, राय, तिल, कड़ी पत्ता का, लेकिन घी के साथ ये बहुत ही औसम लगता है। तो हम लोग इसको घी के साथ ही खाते हैं। थोड़ा सा घी ऐड कर दिया मैंने। अब इसके पीसेज कट कर लेना है और बस
ये सर्व करने के लिए तैयार हो गया। और मैंने और दिनेश जी बाद में नाश्ता किए थे। चुन्नू और सांभवी का मैंने नाश्ता लगा दिया था क्योंकि उसका क्लास था। और डिटेल रेसिपी के लिए आप सब मेरे चैनल पे जा सकते हो, फूड चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कैसन बा चुन्नू? परफेक्ट। केहन लागल सांभवी? बहुत टेस्टी। अच्छा बना है? बहुत यम्मी बना है। हाँ? तो हम लोगों का नाश्ता भी हो गया। सांभवी और सास्वती तो पहले ही नाश्ता कर चुकी थी और हम लोगों ने थोड़ा सा आज नाश्ता लेट किया, तो अब लंच बनाने जाना है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा अमेजन से कुछ सामान आया था, आप सबसे शेयर कर लूं। आजकल ग्रोसरी भी हम लोग ज्यादातर अमेजन से ही मंगा रहे हैं। और कुछ लाइमरोड से भी सामान आया था जो हमने ऑर्डर किया था, दिनेश जी अभी भी लेके आए हैं। सैनिटाइज तो हमने कर दिया है और गार्ड रूम में भी सैनिटाइज कर देते हैं, वहाँ दो दिन से पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं आज इसे नहीं खोलूंगी, मैं इसको साइड में दो तीन दिन के लिए रख दूंगी, फिर मैं इसको खोलूंगी। तो अमेजन से मैंने टिश्यू पेपर मंगाए थे, मैंने पास्ता मंगाए थे, डेसिकेटेड कोकोनट भी मंगाए थे और थोड़ा सा मैंने खसखस मंगाया था और सर्फ मंगाया था। यही छोटे मोटे सामान थे तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। पहले तो सारा सामान मैं खुद जाके लेती थी एक एक देख के, लेकिन आजकल सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। जैसे जैसे घर में सामान कम होते हैं ऑर्डर करते जाते हैं, बाहर जाना थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं। और आज लंच में मैं बना रही हूँ काले उड़द की दाल और उसके साथ में भरवा शिमला मिर्च और भरवा टमाटर बनाऊंगी, साथ में मैं चपाती सर्व करूंगी। तो मैंने सबसे पहले एक कटोरा छिलके वाली उड़द दाल और उसमें 2 टेबल स्पून चना दाल ऐड कर दिया है और उसको अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के साइड में रख दिया है। मैं भरवा शिमला मिर्च और टमाटर कई तरीके से बनाती हूँ, कभी आलू स्टफ करके बनाती हूँ, कभी पनीर स्टफ कर देती हूँ। आज मैं इसमें सोयाबीन का कीमा बना के उसको स्टफ करूंगी। तो मैं कैप्सिकम को अच्छी तरह से अब मैं साफ कर लूंगी, उसके अंदर के सारे बीज निकाल लूंगी। टोमेटो का बीज ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है और उसको मैंने साइड में रख लिया है, उसको मैं सब्जी में यूज कर लूंगी। तो मैं सबसे पहले दाल उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। मैंने एक कटोरा दाल लिया था तो 3 कटोरा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने ग्रेटेड जिंजर लिया है और 2 बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली भी मैंने ऐड कर दिया है। और मैंने जो टमाटर के बीज निकाले थे वही टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और दाल को 3 से 4 व्हिसिल आने तक बॉईल कर लेना है और जब तक दाल बॉईल होगा तब तक मैं स्टफिंग तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, आज अनंत चतुर्दशी भी है और आप सब में से कौन कौन फ्रेंड्स के घर ये त्योहार मनाया जाता है बताना। तो हमारे मम्मी के घर ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे ससुराल में नहीं होता है लेकिन मम्मी के घर होता है, तो मम्मी ने कुछ पिक्स भेजे थे, मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो स्टफिंग के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड कर दिया था, फिर मैंने उसमें टोमेटो का पेस्ट ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और फिर मैं इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला ऐड करूंगी और थोड़ी देर इसको सॉटे कर लेना है। फिर मैं इसमें सोयाबीन का कीमा मैंने उबाल के रखा हुआ है उसको निचोड़ के इसमें ऐड कर दूंगी। सोयाबीन का कीमा से मतलब है सोयाबीन का जो ग्रेन्यूल्स मिलता है। और इसको ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको सॉटे करना है। फिर मैं इसमें अमचूर पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर फिर से इसे सॉटे कर लूंगी। लास्ट में मैं इसमें 1 टेबल स्पून आटा ऐड कर दूंगी। आटा ऐड कर देने से एक बाइंडिंग सी बन जाती है तो फिर भरने में सुविधा रहती है। आटा ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको सॉटे कर लिया था और स्टफिंग तैयार हो गया। और ये मेरे मम्मी के घर अनंत पूजा हुआ था उसका पिक्स है। मम्मी ने भेजा था, पापा पूजा कर रहे हैं और मम्मी सामने बैठी हुई है।
जब हम लोग छोटे थे तो इस पूजा के लिए बहुत एक्साइटेड होते थे क्योंकि मम्मी तरह तरह के पकवान बनाती थी, पूजा होता था और फिर हम लोग बांह पे एक धागा बांधते थे, बहुत मजा आता था। सारे शिमला मिर्च और टमाटर को मैंने स्टफ कर लिए हैं और अब मैं बारी बारी फ्राई कर लूंगी। तो कड़ाही में मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है और इसमें मैंने शिमला मिर्च जो हमने भर के रखे थे उसको ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया। शिमला मिर्च को बिल्कुल धीमी आंच पे पका लेना है। जब शिमला मिर्च पक गया तो फिर मैंने पैन में सरसों का तेल ऐड कर दिया और एक प्याज स्लाइस में कटा हुआ ऐड कर दिया था, फिर टमाटो ऐड कर दिया जो मैंने स्टफ करके रखे थे। टमाटर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चीनी और 4 से 5 मोटे वाले मैंने हरी मिर्च ऐड कर दिए थे और फिर मैंने टमाटर को भी पका लिया। और रोटी भी डन है, बस थोड़ा सा मैं घी इसमें लगा लूंगी और कैसरोल में रख लूंगी। तड़का के लिए मैंने पैन में घी ले लिया था और घी में मैंने खूब सारा बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दिया। जब लहसुन थोड़ा सा पक गया तो 1 टीस्पून मैंने जीरा ऐड कर दिया था और जीरा के क्रैकल होने के बाद गैस को स्विच ऑफ कर देना है। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया और दाल में तड़का मैंने ऐड कर दिया। और ये दाल की रेसिपी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आप सभी बनाते ही होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से भी बना के देखना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना जरूर। और ये दाल रोटी चावल किसी भी चीज के साथ मजे की लगती है और इसके साथ भरवा सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। इस तरह से एक बार आप सब ट्राई करके जरूर देखना। और मैंने इसके साथ थोड़ा सा हींग और आम का अचार भी लिया था जो कि बिल्कुल ऑयल फ्री है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है और साथ में थोड़ा सा मैंने सैलेड लिया था। तो आज का लंच बहुत ही मजेदार सा हो गया था। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको जरूर पसंद आया होगा और किसी भी एंगल से मेरा ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स अभी रात के 10 o'clock हो रहे हैं और मैं एडिटिंग का काम कर रही हूँ। आज जो ब्लॉग जाएगा उसको मैं एडिट कर रही हूँ। आप सबको पता ही है मैं थोड़ी सी लेट आती हूँ, मेरा हर ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाता है क्योंकि मुझे इसी टाइम टाइम मिलता है। तो आज मैंने आप सबसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन शेयर की थी, तो मैं ऑलरेडी आप सबको गुड बाय कर चुकी थी, लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे लगा मैंने अपने स्टाइल में आप सबको बाय नहीं किया था। तो आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सब बात है फ्रेंड्स, लाइक करना मत भूलना।